प्रत्याशी अरविंद भदौरिया और उनके भाई देवेंद्र भदौरिया को समर हाउस में, कांग्रेस प्रत्याशी हेमंत कटारे को चौधरी की हवेली जलपुरा में नजरबंद किया गया। भिंड सदर विधानसभा से बसपा प्रत्याशी संजीव सह कुशवाहा, भाजपा प्रत्याशी संजीव सह कुशवाहा, कांग्रेस प्रत्याशी चौधरी राकेश सह, भाजपा प्रत्याशी नरेंद्र सह कुशवाहा सर्किट हाउस में नजरबंद किए गए। बसपा प्रत्याशी संजीव सह कुशवाहा ने नजरबंदी को गैर कानूनी बताया, तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी बोले प्रशासन का यह निर्णय सराहनीय है। लहार से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर गोविंद सिंह और बसपा प्रत्याशी रसाल सिंह को भी नजरबंद किया गया है। अन्य पार्टियों प्रत्याशियों को भी किया गया है क्या? ये तो आप उन्हें मेरे को जानकारी नहीं, मैं तो आपके सामने ही आता जा क्या क्या के बुलाया गया है? ये कहा कि आप यहाँ आ जाओ चूंकि आप नजरबंद हैं और हमारे पास पुलिस लगी थी। इससे आपकी मतदान प्रक्रिया बाधित नहीं होगी? आप क्यों नहीं प्रभावित होगी ना, इसके लिए कोई शिकायत शिकवा ऐसा क्यों किया जा रहा है? नहीं, अगर सबके साथ समानता का व्यवहार है तो कोई आपत्ति नहीं, और व्यवहार में अगर कूटनीतिकता है या कहीं कोई मत वो है तो आपत्ति, अदरवाइज कोई नहीं। अगर सारे सब प्रशासन सबके लिए एक निगाह से काम कर रहा है तो मैं उसका स्वागत करता हूँ। विधानसभा क्षेत्र के प्रशासन ने एक परंपरा बना ली, पूरा ढूंढना पूरा ढूंढना, वो जो राष्ट्रीय पार्टी के प्रत्याशी होते हैं उनको वो सर्किट हाउस में बिठा लेते हैं 9 बजे के लगभग, और मेरे हिसाब से एक तरीके से वो उचित भी है, क्योंकि जब प्रत्याशी गर्म जोशी से जाता है पोलिंग स्टेशन पर तो वहाँ उपद्रव होने की ज़्यादा संभावना होती है। वोट तो कार्यकर्ता डलवाता है, वोट मतदाता डालता है, इसमें प्रत्याशी का कोई विशेष योगदान नहीं होता है। प्रत्याशी तो अपना प्रचार कर चुका, मेहनत कर चुका, लोगों से वोट मांग चुका है, और अगर आज के दिन प्रशासन कंट्रोल नहीं करेगा तो फिर झगड़े होने की संभावना रहती है। देखिए, व्यवस्था की दृष्टि से अगर बैठाए तो ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि पुलिस को जो हम सूचनाएं दे रहे हैं 3 दिन से लगातार, हिस्ट्री सीटर गुंडे बदमाश जिनका जलावतार हो चुका है वो पोलिंग बूथ पर जा रहे हैं, कई प्रत्याशियों ने अपने अपने डमी कैंडिडेट खड़े किए हैं, उनके एजेंट बन के लगातार गुंडे बदमाश पोलिंगों में जा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये ठीक है। और लोकतंत्र में अगर हम अपने पोलिंगों पे नहीं जा सकें